हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम सबसे पहले आपके लिए लेके आते रहें। तो अगर आपके भी घर में हिताची का एसी है और अगर आप भी कई बार उसके जो रिमोट के बटन्स हैं, उसके कंट्रोल्स हैं, उसकी सेटिंग्स हैं, उसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारे कंट्रोल्स बताऊंगा किस कंट्रोल का क्या मतलब होता है और कब आपको किस टाइम पे कौन से कंट्रोल को यूज करना है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो में एक डाइकिन का रिमोट भी मैंने रखा हुआ है, तो इसको वीडियो हम अपने चैनल पर पहले ही डाल चुके हैं, तो अगर आप उसका वीडियो अलग से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चूंकि ये यहां पे रखने का कारण ये था क्योंकि सारे रिमोटों के फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इसीलिए इस रिमोट को भी मैंने इस वीडियो में यहां पे रखा हुआ है। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिताची के सारे रिमोट के फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जो रिमोट है हिताची का, उसके जो बेसिक फंक्शन है, जो बाहर जो ये बटन्स दिए हुए हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद इसके इस वाले पैनल को हम ओपन करेंगे और इसके अंदर भी कुछ बटन्स होते हैं जिसका मीनिंग मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे किस बटन का क्या मतलब होता है। साथ ही साथ आपको डाइकिन के साथ भी इसको थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊंगा कि अगर यही जो फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर नाम से इस हिताची के एसी में, वो डाइकिन के एसी में किस नाम से है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं एसी ऑन ऑफ के बटन की। तो दोनों ही एसीओ में आप देख सकते हैं, डाइकिन में ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे, हिताची में ऑन ऑफ का बटन जो है वो यहाँ पर है। तो अगर आपको एसी को ऑन करना है या ऑफ करना है, आप इस बटन को प्रेस करके एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ऑन ऑफ के बटन के बाद अगर मैं दूसरे बटन की बात करूं, तो वो बटन है हिताची के अंदर फैन का बटन। तो ये फैन का बटन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जो एसी का फैन है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि जो फैन की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फैन की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली मैं इससे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को ज़्यादा हवा चाहिए, ज़्यादा फैन की स्पीड चाहिए, तो मैं इसको ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर कम चाहिए तो मैं इसको कम कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं डाइकिन के अंदर बताऊँ, तो यहाँ पे भी फैन की स्पीड के लिए यही बटन होता है। इसी के थ्रू आप जो फैन होता है उसकी जो स्पीड होते हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर अगले बटन की मैं बात करूं तो वो है मोड का बटन। मोड के बटन को हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इसी बटन के थ्रू एसी के ज़्यादा से ज़्यादा जो मोड्स होते हैं वो ऑपरेट होते हैं। तो इस बटन को मैं लास्ट में कवर करूंगा, बाकी सारे बटन्स को हम पहले कवर करेंगे। अगर मैं अगले बटन की बात करूं हिताची के अंदर, तो वो है बैकलाइट का बटन। इस बटन का क्या यूज होता है, अगर जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो एसी के अंदर लाइट जलना शुरू हो जाती है। तो रात के समय ये बटन काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी फायदा देता है, क्योंकि कई बार क्या होता है रूम में अंधेरा होता है और हमें पता नहीं चलता है कि जो टेम्परेचर है या कोई दूसरी सेटिंग है वो किस तरीके से सेट हुई है, तो देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके लिए बहुत अच्छा बटन इसमें दिया गया है और इसकी लाइट काफी अच्छी ग्लो करती है। आप देख रहे हैं कि बटन को प्रेस करते ही कितनी अच्छी लाइट ग्लो कर रही है। लेकिन अगर मैं डाइकिन की बात करूं, डाइकिन में ये बटन नहीं दिया गया है, तो आप देखेंगे इस पूरे रिमोट के अंदर कहीं पे भी बैकलाइट का बटन नहीं है। तो ये इसमें थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लगी डाइकिन के रिमोट में, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे फंक्शन दोनों रिमोट्स में सेम है। बैकलाइट के बटन के साथ ही एक और बटन अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, तो वो दिया हुआ है काइमिन का बटन। काइमिन का बटन किस लिए होता है, काइमिन का बटन जो होता है उस बटन का फायदा ये होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे रात बढ़ती है रात में टेम्परेचर जो होता है बाहर का वो गिरने लगता है। लेकिन अगर हम रूम के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एसी में सेट करते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने एसी में सेट कर लिया 18 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन जैसे जैसे रात हो रही है बाहर का टेम्परेचर भी क्या है घट रहा है, जिससे कि कमरे के अंदर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, कमरा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो उस चीज में हमारी नींद खराब ना हो रात के टाइम, तो उसके लिए ये बटन दिया जाता है काइमिन का बटन। इस बटन की मदद से जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूं, उसके बाद मैं ये एडजस्ट कर सकता हूं कि हर 4 घंटे के अंदर जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री अपने आप ऑटोमेटिकली रात में बढ़ जाए, जिससे कि जो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर है जो बिल्कुल मेंटेन रहे। तो अगर मैं आपको काइमिन का बटन को यूज करके दिखाऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि कितनी देर में आप चाहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री अपने आप बढ़ जाए। तो यहाँ पे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर का दिया गया है। तो इसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि हर 2 घंटे में आप चाहते हैं टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, या हर 3 घंटे में आप चाहते हैं टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, तो उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर मैं डाइकिन के अंदर बात करूँ तो यही सेम फंक्शन है ऑलमोस्ट, जो कि गुड स्लीप के नाम से दिया गया है। तो काइमिन हिताची के अंदर और गुड स्लीप जो है वो डाइकिन के अंदर सेम फंक्शन है। तो अब कर लेते हैं इस पैनल को ओपन और बाकी के जो बटन है उनको भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। तो जैसे ही मैं पैनल को ओपन करता हूं, जो सबसे पहला बटन मुझे यहां पे दिखाई देता है, आप यहां पे देखेंगे कि ये जैसे कई बार हमने देखा है बाहर, अगर हम आइस वाली जगहों पे जाते हैं तो वहां पे हमें कुछ इस तरीके के बर्फ के बने हुए जो स्टैचूज होते हैं वो हमें दिखते हैं। तो इस बटन का सिंपली मतलब होता है ये पावर चिल मोड है। कई बार क्या होता है, हम बाहर से आते हैं, काफी गर्मी होती है रूम में और हम चाहते हैं कमरा एकदम से ठंडा हो जाए, तो उस चीज के लिए उस मोड को यूज अगर आप करना चाहते हैं तो ये पावर चिल मोड है। जैसे मैं इस मोड को ओपन करता हूं, तो एसी जो होता है अपनी मैक्सिमम पावर से काम करता है कमरे को ठंडा करने के लिए। अगर यही फंक्शन अगर मैं आपको डाइकिन के अंदर दिखाऊं, तो डाइकिन के अंदर यहाँ पे क्लियर कट
लिखा हुआ है पावर चेन, तो ये दोनों सेम फंक्शन है। यहाँ पे हिताची में ये इस सिंबल से आता है, और अगर मैं डाइकिन में दिखाऊं तो ये पावर चेन के नाम से यहाँ पे आता है। अब बात कर लेते हैं अगले बटन की। इस बटन को अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है जो अपने मुंह पे उंगली रख रही है, जैसे कि चुप रहने का इशारा कर रही है। तो इसी से हमें पता चल जाना चाहिए कि इस बटन का मतलब है साइलेंट मोड। साइलेंट मोड का मतलब होता है कि एसी जो है फैन की आवाज बिल्कुल कम करेगा, एसी की अपनी अंदर की आवाज बहुत कम होगी, ताकि रात को सोते हुए जो है बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो कभी भी अगर आप इस चाहते हैं कि एसी मिनिमम आवाज करे, ज्यादा फैन की आवाज ना हो या ज्यादा शोर ना हो, तो आप इस बटन का यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इस बटन का यूज करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे साइलेंट जैसा एक फिगर आ जाएगा, साइलेंट जैसी एक आइकन बना हुआ आ जाएगा। अगर अगले बटन की मैं बात करूँ तो वो है टाइमर का बटन। टाइमर का बटन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि अगर हम टाइम सेट करना चाहते हैं कि कब एसी ऑन हो या कब एसी ऑफ हो, तो उसको हम यहाँ से टाइमर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बारी मैं लाइट ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप टाइमर ऑफ, टाइमर ऑन, यानी कि अगर आप ऑफ टाइमर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, और अगर आप ऑन टाइमर लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं, और उसके बाद सेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये जो अगला बटन है वो कैंसिल का बटन है। कैंसिल के बटन से आप जो भी टाइमर की सेटिंग्स है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो टाइमर की सेटिंग मैं लगा रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे ये सेटिंग को अगर मैं सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेट का बटन मुझे प्रेस करना है, वो टाइमिंग सेट हो जाएंगे। अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे कैंसिल को प्रेस करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। सेट कैंसिल, इन दोनों बटन्स का यही मतलब है कि अगर आप टाइमर को सेट करना चाहते हैं तो आप सेट कर के बटन से सेट कर सकते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल के बटन से कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको मैं डाइकिन के अंदर दिखाऊं तो डाइकिन के अंदर ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे भी ऑफ, अगर आप टाइमर लगाना चाहते हैं तो ऑफ टाइमर लगा सकते हैं, ऑन टाइमर लगाना चाहते हैं तो ऑन टाइमर के बटन को ऑन कर सकते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल के बटन को प्रेस कर सकते हैं। बात करते हैं जो है एसीटी बटन। एसीटी बटन का मतलब है एक्ट बटन। एक्ट बटन में क्या होता है, आप एसी को जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसके थ्रू एसी जो होता है काम करता है, यानी कि एक तरह से ऑटोमेटिक मोड होता है। तो अगर मैं कहूँ बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो अब मैं इसको वेरी हॉट पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं कहूँ बाहर बहुत ह्यूमिड है तो इसको मैं ह्यूमिड मोड पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, और एसी उसी के अकॉर्डिंगली चेंजेस करता है अपनी कूलिंग के अंदर। अगर मैं कहूँ कि बाहर जो है ठीक ठाक गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, तो हॉट पे मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली एसी जो होता है अपनी सेटिंग्स करता है। तो एक तरह से ये ऑटोमेटिक मोड है। अगर मैं आपको डाइकिन के अंदर दिखाऊं तो डाइकिन के अंदर ये जो अलग से मोड नहीं दिए गए हैं, इसका जो मोड बटन है उसी के अंदर ये सारे फंक्शन है। चलिए बात करते हैं अगले बटन की, जो कि है की बटन। जैसा कि इसके सिंबल से ही पता चलता है, की बटन का मतलब होता है लॉक करना, यानी कि इस बटन के थ्रू आप एक पासवर्ड रख सकते हैं जिसके थ्रू कोई भी आपके जो एसी है उसको अनऑथराइज्ड यूज नहीं कर सकता है, या फिर आपके रिमोट की जो सेटिंग्स है उनको चेंज नहीं कर सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे ही मैं की का जो सिंबल है वो प्रेस करता हूं, तो यहां पे की का रिमोट के ऊपर सिंबल आ जाता है। अगर मैं इसको डिसेबल करना चाहता हूं तो वो डिसेबल हो जाता है, दोबारा लेके आना चाहता हूं तो दोबारा से इसको प्रेस करके मैं पासवर्ड को सेट कर सकता हूं। बात करें हम अगले बटन की, तो ये जो बटन है वो है पर्सनलाइज बटन। जैसा कि इसमें एक आदमी बना हुआ है जो एक सिंबल ये डिनोट करता है कि ये एक पर्सनलाइज बटन है। तो इसके अंदर तीन सेटिंग्स मैं लगा सकता हूँ, यानी कि जो भी मेरी प्रेफर्ड सेटिंग्स है उन तीन सेटिंग्स को मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ। तो जैसे सपोज कीजिए कि मैं अपनी फैन की स्पीड को एक नॉर्मल स्पीड पे रखता हूँ और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो सेटिंग्स बार बार बदले ना, तो इसकी मदद से, इस बटन की मदद से मैं उन सेटिंग्स को सेव कर सकता हूँ। और जब भी मैं अपने एसी को ऑन करूंगा मैं इस बटन की मदद से उन सेम सेटिंग्स को एकदम से सेट, मेरे को बार बार उनको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बात करूँ डाइकिन के अंदर ये वाला बटन मेरे को नहीं दिखाई देता है रिमोट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट बटन की, जो कि है स्विंग बटन। स्विंग बटन का फंक्शन ये होता है कि जो एसी के फ्लैप्स होते हैं, जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो एसी के फ्लैप्स जो हैं वो मूव होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो रोटेट करना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा लाइट करके मैं अगर आपको दिखाऊं तो जैसे ही मैं इस बटन को यहां से दोबारा प्रेस करूंगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो ये अनेबल हो जाएगा। तो ये स्विंग बटन होता है, एसी के फ्लैप्स को हवा को रोटेट करने के लिए होता है। अगर मैं आपको डाइकिन के अंदर दिखाऊं तो यहां पे भी, डाइकिन के अंदर भी ये बटन जो है स्विंग बटन यहां पे दिया गया है। अगर नेक्स्ट बटन की मैं बात करूं तो वो है फिल्टर की।
इस फिल्टर की का फंक्शन क्या होता है? जब भी हमारा एसी का जो फिल्टर है वो गंदा हो जाता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि एसी का फिल्टर गंदा हो गया है, हमें उसको साफ करने की जरूरत है। तो जैसे ही हम अपने एसी के फिल्टर को साफ करते हैं उसके बाद हमें इस बटन को दोबारा प्रेस कर देना है जिससे कि ये रीसेट हो जाता है, और जब भी एसी का जो हमारा फिल्टर है वो दोबारा से गंदा होता है तो ये हमें इंडिकेट कर देता है कि एसी का जो फिल्टर है वो गंदा हो गया है। तो इसका कोई स्पेसिफिक स्क्रीन पे कोई भी आइकन नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप अपने फिल्टर को धोएं उसके बाद इस बटन को एक बारी प्रेस कर दें जिससे कि ये रीसेट हो जाता है अपने आप। और अगर डाइकिन की बात करूं, डाइकिन में ऐसा कोई भी फिल्टर की का फंक्शन मेरे को मेरे रिमोट में नहीं दिखा है। तो अब हम कवर करने जा रहे हैं मोड बटन को। तो मोड बटन को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ इसमें काफी सारे ऑप्शन मेरे को नजर आते हैं, तो एक एक करके मैं आपको वो सारे ऑप्शन बताऊंगा। तो बैकलाइट एक बारी ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये सारे ऑप्शन बताता हूँ। तो सबसे पहला जो इसमें मोड है वो है ऑटो मोड। इसके अंदर एसी क्या करता है, अपने आप ही सारी की सारी सेटिंग्स करता है, इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप अपने एसी को ऑन करते हैं हमेशा इस मोड पे रखें ऑटो मोड पे, उसके बाद एसी ही अपने आप सारी की सारी गर्मी जो होती है बाहर की, जो भी बाहर का कंडीशंस होती हैं उसको देख के सारी की सारी सेटिंग्स को एडजस्ट करता है। अगर अगले मोड की मैं बात करूं तो मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो अगला मोड सिलेक्ट हो जाएगा, ये है कूल मोड। इसके अंदर आप जो है अपनी सेटिंग्स अपने आप कर सकते हैं। ऑटो मोड में क्या होता है, एसी अपने आप एडजस्टमेंट करता है, यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स अपने आप भी कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को चेंज करना चाहते हैं, जैसे टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और अगर आप फैन की स्पीड्स को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट मोड की मैं बात करूं तो वो है ह्यूमिड मोड, यानी कि जब भी बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, रेनी सीजन हो, उस टाइम पे आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि एसी अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ जो भी ह्यूमिडिटी होती है उसको कम से कम करके अंदर कमरे को ठंडा करने की कोशिश करता है। अगर अगले मोड की मैं बात करूं तो वो है फैन मोड। फैन मोड में क्या होता है, एसी जो होता है अपने कंप्रेसर को बंद कर देता है और जो इसका फैन होता है वही हमारे पास जो होता है वो कमरे में हवा फेंकता रहता है। लेकिन बीच बीच में कई बार अगर ज्यादा कमरे में गर्मी हो जाए तो कंप्रेसर अपने आप ऑन हो जाता है और उससे थोड़ी सी कमरा दोबारा ठंडा हो जाता है और उसके बाद फिर कंप्रेसर अपने आप बंद हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस मोड पर अगर हम डालते हैं तो मैक्सिमम जो काम करता है वो फैन काम करता है, कंप्रेसर बीच बीच में बंद हो जाता है, बीच बीच में ऑन हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअल में फैन और कंप्रेसर का। तो इससे क्या होता है, इस मोड पे जब हम डालते हैं एसी को तो उससे बिजली की भी काफ़ी बचत होती है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में कंप्रेसर काफ़ी टाइम तक बंद रहता है और फैन से ही काम चलता रहता है। नेक्स्ट मोड जो है वो सन मोड है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है सन का साइन भी बना हुआ है, तो इसी से पता चलता है अगर बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और अगर आप जल्दी कमरे को ठंडा करना चाहते हैं तो आप इस मोड पे एसी को डाल सकते हैं, जिससे कि कमरा जो होता है जल्दी से जल्दी ठंडा होता है। इसके अंदर भी आप काफ़ी सारी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो फैन की सेटिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और कमरे को जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो आप इस मोड पर एसी को चला सकते हैं। अगर बात करें कि एसी का रिमोट काम कैसे करता है, तो इसको जो पावर मिलती है वो मिलती है दो बैटरी सेल्स से। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसमें दो बैटरी सेल्स डलते हैं जिसके थ्रू इसको पावर मिलती है और सारे के सारे फंक्शंस इसके ऑपरेट होते हैं। तो अगर बात करूं इन मोड फंक्शंस की, तो सारे एसीज में ये सारे फंक्शन ऑलमोस्ट कॉमन ही होते हैं, इसलिए मैंने अलग से डाइकिन के फंक्शंस नहीं बताए हैं। इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो भी बनाया जो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।